नमस्कार, जन संचार के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास पेशकश में मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। दोस्तों, जैसा कि आज 29 अप्रैल है, क्या आपको पता है 29 अप्रैल का दिन हम भारतवासियों के लिए इतना खास क्यों है? जी हाँ, हम आपको बताते हैं आज का दिन हमारे लिए खास क्यों है। जी हाँ, 29 अप्रैल को भारत और दुनिया के इतिहास में काफ़ी महत्व है, क्योंकि 29 अप्रैल 1638 में लाल किले की बुनियाद रखी गई थी। लाल पत्थर से दिल्ली के बीचों बीच बनी इस इमारत के सामने से गुजरे तो इसकी भव्यता अक्सर ध्यान को आकर्षित करती है। इसकी मजबूती, इसकी बेहतरीन स्थापत्य कला और इसकी बेमिसाल कारीगरी के मुरे लोगों के लिए यह जाना दिलचस्प होगा कि लाल किले की नींव 29 अप्रैल को रखी गई थी। लाल किले का निर्माण 1648 में पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने महल के रूप में बनवाया था। बता दें, किला पूरी तरह से लाल पत्थरों से बना हुआ था, जिसके कारण उसका नाम लाल किला रखा गया। क्या आपको पता है लाल किले का डिजाइन किसने बनाया था? जी हाँ, उस समय के सबसे बड़े डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौली को उसके लिए हायर किया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगी, वही उस्ताद अहमद लाहौली ने आगरा की शान ताजमहल को भी बनाया था। जिस दिन लाल किले का निर्माण शुरू हुआ, उस दिन मुगल साम्राज्य का सबसे पावन दिन मुहर्रम था। जी हाँ, आपको बता दें, लाल किले को खूबसूरत और शानदार बनाने में पूरे 10 साल लग गए थे। लाल किले का निर्माण होने पर शाहजहां के गृह प्रवेश के लिए लाल किले को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसमें सजावट की छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा गया। दीवाने खास में विशेष दरबार सजाया गया, छतों की दीवारों पर नक्काशी की गई, झूमर और फूलों की शोभा के साथ महल को सजाया गया। शाहजहां के बड़े सपने को पूरा करने में 10 साल लग गए, इसलिए शाहजहां का गृह प्रवेश भी भव्य तरीके से हुआ। जब शाहजहां ने लाल किले में कदम रखा, तब फूलों की वर्षा की गई और गरीबों में हीरे जवाहरात बांटे गए। लाल किला हर किसी को मनमोहक करने वाला था। लाल किले ने औरंगजेब के मन को भी जीत लिया और 18वीं शताब्दी में मुगल शासनकाल में बनी धरोहर और महलों को क्षति पहुंचाने में औरंगजेब का हाथ रहा। 1712 में चंद्रशाह ने लाल किले को हथिया लिया और करीब 29 सालों तक लाल किला बिना शासक के था। इसके बाद शासनकाल के लागू होने के 1 साल पहले ही शाहजहां की हत्या हो गई और उनकी जगह फर्रुखशियर ने ले ली। अपने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने चांदी की छत को कॉपर की छत में तब्दील कराया। 1719 में लाल किले को रंगीला के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद शाह ने अपनी कलाकृतियों से सजाया, जिसके बाद में 1761 में जब मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए, तब अहमद शाह दुरानी ने दिल्ली पर छापा मारा। 10 साल बाद शाह आलम ने मराठाओं की सहायता से दिल्ली के तख्त को हासिल कर लिया और 1803 में एग्लो मराठा युद्ध के दौरान दिल्ली के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सेना को पराजित कर मराठा के शासन को खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में लाल किला चला गया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को अपने अधीन ले लिया और उसे अपना निवास स्थान तक घोषित कर दिया। वहीं अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय ने आखिर 1857 क्रांति के दौरान किले को फिर से हासिल कर लिया। लेकिन इतनी विशाल मुगल ताकत होने के बावजूद भी 1857 के समय अंग्रेजों ने लाल किले हड़प लिया। 1858 में बहादुर शाह को रंगून भेज दिया और लाल किला पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने हासिल कर लिया और उसके फर्नीचर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। एक के बाद एक लाल किला के हर कीमती सामान और हरम गार्डन को ब्रिटिशों ने नुकसान पहुंचाया। मुगलों की बनाए मार्बल के महल की दीवारें ही उनके अत्याचार से बची रही, बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने नष्ट कर दिया। अमूल्य और कीमती धातुओं को अपने साथ ले गए। देखा जाए तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने लाल किले का सर्वनाश कर दिया था। वहीं 1899 में लॉर्ड कर्जन का राज शुरू हुआ और उसने किले की मरम्मत करने का आदेश दिया। इस तरह से मुगलों के बनाए हुए कीमती महल लाल किले को अंग्रेजों ने अपनी धरोहर बना लिया। आजादी के लिए संघर्ष कर रहे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार ने लाल किले में बनाई गई जेल में कितने बार रखा, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर परिश्रम से एक दिन ऐसा आ गया जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और उस शुभ दिन को हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया।
वही परंपरा आज तक चली आ रही है। इस तरह अंग्रेजों से जद्दोजहद करने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने भारत देश को आजाद कराया और अपने कीमती धरोहर को भी बचा लिया। जी हाँ, लाल किला देश का वो कोहिनूर है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और सभी भारतीयों को गर्व है भारत के पास अमूल्य धरोहर के रूप में लाल किला है। जी हाँ, आपने जाना किस तरह से 25 अप्रैल का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।